लगभग 1.5 साल पहले जो कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी बसें हैं, चाहे वो DTC की हैं या क्लस्टर की हैं, सभी बसों में दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम लेते हुए ये फैसला लिया था। लगभग 1.5 साल पहले कैबिनेट डिसीजन था कि सभी बसों में CCTV, पैनिक बटन और GPS लगाए जाएंगे, जिससे कि बसों में जो भी यात्री हैं वो हम इस कमांड सेंटर के द्वारा उनको देख सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी भी यात्री को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी यात्री को, स्पेशली अगर किसी भी फीमेल पैसेंजर को अगर अनकंफर्टेबल लगता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो जगह जगह पे बस में लगभग हर 3-4 सीट के बाद एक पैनिक बटन दिया हुआ है। वो पैनिक बटन प्रेस करने से बस में अलार्म बजता है और उसका डायरेक्ट फीड जो है कमांड सेंटर में आता है, और उस बस की वीडियो यहाँ पे लाइव चालू हो जाती है। कुछ बसों को छोड़ के लगभग सभी बसों में CCTV, पैनिक बटन और GPS लग चुके हैं। कमांड सेंटर से पूरा इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, वही हम देख रहे थे, और आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस कमांड सेंटर को टेक ओवर कर रहा है। आज से इस पूरे सिस्टम का ट्रायल चालू हो जाएगा और डिपार्टमेंट लगातार इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट के भी, DTC के भी और क्लस्टर DIM से जो है अधिकारी यहाँ स्टेशन होंगे, इसका पूरा टेस्टिंग किया जाएगा।